बच्चों, यूनिवर्सिटी की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए हैं कि आकलन के दौरान औपचारिक और अनौपचारिक ये प्रक्रिया क्या है, यानी औपचारिक आकलन और अनौपचारिक आकलन के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के बारे में पूछा गया है। साथ ही उसी प्रश्न में दूसरा भाग है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, यानी अवलोकन की जो अनुसूची है, जो सूची है, वो कैसे औपचारिक आकलन में मदद किया जा सकता है, तो वो दूसरा भाग अगली कक्षा में होगी चर्चा उस पर। पहली बात यहाँ पर ये है कि औपचारिक और अनौपचारिक आकलन असेसमेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले समझिए कि औपचारिक और अनौपचारिक चीज है क्या। मान लीजिए कक्षा में हमने बात किया सामूहिकता के बारे में या टीम वर्क, समूह भावना के बारे में, और मैंने एक बच्चे को समूह भावना पर निबंध लिखने के लिए दिया और दूसरे बच्चे को कहा कि आने वाले 26 जनवरी के लिए आप एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कीजिए। पहली बच्ची ने समूह भावना पर, टीम वर्क पर बहुत ही अच्छा निबंध लिखा, पर वो उस जगह पर जाकर टीम वर्क में काम नहीं कर पाती है, जबकि दूसरी बच्ची जो है वो निबंध नहीं लिख पाती है पर वो टीम वर्क में जाकर अच्छे से काम कर पाती है। इस बच्ची का आकलन आप कर सकते हैं क्योंकि आप उसने पेज में लिखा है, उसने ऐसे लिखा है, 10 में 10 आप दे सकते हैं, पर उस बच्ची का आकलन आप तुरंत नहीं कर सकते क्योंकि वो पेन और पेपर की बात नहीं है, वो सोचने की बात है, समझने की बात है, अनुभव करने की बात है कि उस बच्ची में, उस स्टूडेंट में क्या क्वालिटी है। तो औपचारिक और अनौपचारिक वही अंतर है। औपचारिक एक ऐसा मानकीकृत परीक्षण है, मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज है, मतलब बिल्कुल ही बंधा हुआ है नियम में, कानून में, और उसके द्वारा हम परीक्षण करते हैं, जबकि अनौपचारिक क्या है, मुक्त प्रक्रिया है। मैंने उस बच्ची को छोड़ दिया कि तुम टीम वर्क में जाकर 7-8 बच्चे के साथ 26 जनवरी के लिए कार्यक्रम प्लान करो, तो वो बिल्कुल ही एक मुक्त वातावरण में जाकर काम कर रही है, जबकि यहाँ पर जो परीक्षण है वो एक क्लासरूम में बैठी है, उसे आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा, वो एक निबंध लिखेगी, एक टीचर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी पे रहेगी, तो सारी प्रक्रिया क्या है, बंधी हुई है नियमों के साथ, कानून के साथ, पैटर्न के साथ बंधी हुई है। दूसरा है ग्रेड का आधार होता है और ग्रेड नहीं होता है। इस बच्ची को हम 10 में 9, 8, 7, 6 कुछ भी दे सकते हैं, A+, A, B, C, D दिया जा सकता है, पर उस बच्ची को हम ग्रेड नहीं देते हैं, बल्कि हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड जमा होता है कि वो बच्ची इस प्रक्रिया में बहुत ही अच्छी है। उसके बाद है अंक से निर्धारण गुणात्मक। मैंने अभी बात किया कि 10 में वो 7 लाई 8 लाई 9 लाई आप अंक दे सकते हैं, जबकि उस बच्चे को आप क्या देंगे, अंक नहीं दे रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी को, गुण को, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, आप उसकी क्वालिटी को समझते हैं। त्वरित परिणाम समय की देरी होती है। इस बच्ची का परिणाम तुरंत आ सकता है, वो आधे घंटे में, 1 घंटे में लिखेगी, आप 3 घंटे में लिखते हैं एग्जाम और 3 घंटे में देते हैं, मैं चाहूं तो अगले 1 घंटे में चेक करके आपको तुरंत रिजल्ट दे सकती हूँ, पर उस बच्ची का आकलन करने में, जो कि अनौपचारिक आकलन है, समय लग सकता है, उसको 2-3 परिस्थितियां दिया जाएगा और उसमें उसके व्यवहार को जांचा जाएगा, क्योंकि वहां प्रश्न उत्तर नहीं है, वहां व्यवहार है। आप बताइए कि औपचारिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। जो आप एग्जाम देते हो वो क्लास टेस्ट होता है, मंडी टेस्ट होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, वो सारी चीजें औपचारिक के अंतर्गत आती है, जबकि अनौपचारिक में अगर आप कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, आपने ग्रुप डिस्कशन किया, 7 बच्चे बैठे हैं और मैंने दे दिया कि भ्रूण हत्या पर आप लोग विचार विमर्श कीजिए, तो उस समय तो कोई ग्रेडिंग नहीं होगा, आप लोगों में कितना अच्छा बोलने की क्षमता है, कितना अच्छा आपका विचार है, वो देखकर ही हम आपका अनौपचारिक आकलन करेंगे। उसके बाद क्या है, एक्सपेरिमेंट। जब आप लोग साइंस का 28 फरवरी को आप लोग साइंस डे मनाते हैं और आप जो एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं या टीचिंग एड्स भी जो आप बनाते हैं, उसका भी आकलन किया जा सकता है, वो अनौपचारिक ही कहलाएगा। प्रेजेंटेशन, आप क्लास में, महाविद्यालय में किस तरह से एक्टिव रहते हैं, सफाई के प्रति, व्यवहार के प्रति, अनुशासन के प्रति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति आपकी अनुपस्थिति कम रहती है, आप रेगुलर रहते हैं, ये सारी चीजों का जो आकलन है, जो प्रेजेंटेशन है,
व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, वो सारी बातें अनौपचारिक आकलन के तहत आती है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो बच्ची बहुत अच्छा डांस की तो 10 में 9 ले लीजिए, क्योंकि वो पेपर और पेन की बात यहाँ पर है, क्योंकि ये मानकीकृत है, ये बंधा हुआ है नियम कानून में, ये बंधा हुआ नहीं होता है, ये मुक्त प्रक्रिया है और ये चलता रहता है। पूरे साल में हम आपके व्यक्तित्व की पहचान करते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, कैसे स्टूडेंट हैं, जबकि यहाँ पे रिजल्ट क्या है, तुरंत 3 घंटे के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आप पढ़ने में कैसे हैं, पेन एंड पेपर में आपका रिजल्ट क्या है, वो त्वरित, त्वरित मतलब होता है जल्दी, जल्दी ही परिणाम आता है। जबकि चूंकि ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, आपके हर व्यवहार, आपकी हर सोच विचार, हर चीज का मूल्यांकन करना है, इसमें समय लग जाता है। किसी भी बच्चे का अगर आकलन करना है तो दोनों ही प्रक्रिया सही है, क्योंकि कभी कभी बच्चा इस प्रक्रिया में नर्वस हो जाता है, क्लासरूम में एग्जाम देते समय नर्वस हो जाएगा, डर जाएगा, अच्छे से नहीं लिख पाता है, लेकिन यहाँ पे वो मुक्त होता है, तनाव मुक्त होता है, उसे डर नहीं रहता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसका आकलन किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम दोनों के बीच संतुलन बिठाकर, दोनों को मिलाकर किसी बच्चे का आकलन करें। धन्यवाद।